हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कशिश किचन। आज मैं लाई हूँ एमोजी कुकीज़। बनाऊंगी मैं और आटे से बनाऊंगी, सिंपल तरीके से, बिल्कुल इसमें ज़्यादा सामान नहीं लगेगा। इससे पहले कि मैं बनाऊँ, आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए बनाते हैं इसको। इसके लिए पहले मैंने लिया है ऑयल और इसमें डालेंगे चीनी। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि चीनी घुल जाए, ऑयल और चीनी मिक्स हो जाए अच्छे से। अब इसमें मैं डालूँगी 2 कप आटा, गेहूं का आटा लिया है मैंने। आप चाहे तो मैदा भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने आटे से बनाया है। अब इसमें मैं डाल दूँगी एसेंस, वेनिला एसेंस, कोई भी एसेंस आप यूज़ कर सकते हैं इसमें। और इसका एक डो बना लिया है। अब इसको मैंने 2 भाग में डिवाइड कर लिया है। इसको एक में मैं मिलाऊंगी कोको पाउडर, 1 चम्मच कोको पाउडर लिया है मैंने, और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी आटे में। अब मैंने फॉइल पेपर ले लिया है। अब दोनों आटे को मैं फोल्ड करके फ्रीज में रख दूँगी थोड़ी देर के लिए। ये मैंने निकाल लिया है, आटा सेट हो चुका है। एक प्लास्टिक की शीट ले ली है। अब इसमें मैंने इसको ग्रीस कर लिया है ऑयल से अच्छे से। अब ये आटे के डो को मैं रख देती हूँ इसमें और अच्छे से फैला लूँगी। इसको शीट से कवर करके अच्छे से बेल लेना है हमको। ज़्यादा पतला नहीं करना है, बेलना है अच्छे से, बस ध्यान से। अब ये डिज़ाइन वाले जो सांचे आते हैं उससे हमें अलग अलग डिज़ाइन दे देनी है। इसे आप कोई भी डिज़ाइन दे सकते हैं। ये मैंने कढ़ाई गरम करने रख दी है। अब मैं इसमें कुकीज़ रख दूँगी और इसे ढक दूँगी और सेम आंच पे इसे पकाना है। अब हम चॉकलेट फ्लेवर वाला भी बना लेते हैं। इसे भी उसी तरह से शीट पर बेलना है। और ध्यान से इसे निकालिएगा, डिज़ाइन बिगड़नी नहीं चाहिए। देखिए ये हमारे कुकीज़ बन चुके हैं, कितने अच्छे बने हैं और खाने में भी बहुत टेस्टी लगते हैं। अब इसको मैं थोड़ा सा डेकोरेट कर लेती हूँ ताकि बच्चे और ज़्यादा अच्छे से खाएं। इसमें मैंने ले लिया एक बॉटल में जैम। जैम से मैंने इसकी शेप बना ली है, आईज़, नोज़, आप किसी भी तरीके से बना सकते हैं। इमोजी और थोड़ी सी चॉकलेट भी ली थी मैंने। देखिए ये कितने अच्छे लग रहे हैं, सारे इमोजीज बन चुके हैं, हमारे कुकीज़ रेडी हैं।